सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। इसमें दो लड़के आपस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत हिंदू मुस्लिम धर्मांतरण वगैरह के बारे में है। जितना हिंदुस्तान जितना, तो तुम पढ़े लिखे हो, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मुसलमानों को तुम परिवर्तन करा रहे हो, हिंदुओं को मुसलमानों में, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम अभी नहीं समझोगे। समझाओ। आगे समझोगे जब थोड़ा वक्त गुजरेगा। कैसे? यहाँ तुम 10 साल इंतजार कर लो, अलीगढ़ हमारा है। किन का? जो सोच रहे हो ना हरिगढ़ नाम बदलने के, इस बार अगर सपा की सरकार आ गई तो भूल जाना। अच्छा, मतलब 10 साल बाद अलीगढ़ तुम्हारा है? और क्या, 10 साल बाद देखो हम इतनी ग्रोथ रेट बढ़ रही है हमारी। तुम क्या समझ रहे हो, हम यहाँ तक आ जाएंगे? कहाँ तक? भोजपुरा। तुम्हें पता है पहले ऊपरकोट तक ही बसता था मुसलमान, ऊपरकोट से भोजपुरा तक। सुदर्शन न्यूज के पत्रकार रजत मिश्रा ने ये वीडियो ट्वीट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कथित मुस्लिम लड़के को नाबालिग बताते हुए लोगों को धर्म परिवर्तन के बारे में चेताया। सुदर्शन न्यूज यूपी के ट्विटर हैंडल से भी ये वीडियो पोस्ट किया गया। अमर उजाला के पत्रकार ने भी ये वीडियो शेयर करते हुए मामले पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। अलीगढ़ पुलिस ने रजत मिश्रा के ट्वीट पर यह बताया कि वीडियो एक ही समुदाय के दो नाबालिगों ने बनाया था। ऑल्ट न्यूज ने संबंधित पुलिस अधिकारी कुलदीप सिंह गुनावत से बात की। उन्होंने बताया कि दोनों लड़के एक ही समुदाय से थे। उन्होंने लड़कों के बारे में अधिक जानकारी शेयर नहीं की क्योंकि दोनों नाबालिग थे। इसके बाद हमने अलीगढ़ में एक स्थानीय पत्रकार से बात की, जिन्होंने हमें बताया कि उन्होंने एक नाबालिग के माता पिता से बात की थी और वो इस बात की तस्दीक कर सकते थे कि दोनों लड़के हिंदू समुदाय के हैं। इन्हीं पत्रकार के जरिए हमने उस लड़के के चाचा से बात की जो लड़का साइकिल पर बैठा दिख रहा है। उन्होंने हमें बताया कि दोनों लड़के 17 साल के हैं और दोनों ने मजाक में ये बातचीत की थी। उन दोनों को नहीं मालूम था कि बातचीत रिकॉर्ड हो रही थी और इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया। बच्चे के चाचा ने यह भी बताया कि परिवार भाजपा समर्थक है लेकिन बच्चे राजनीति में रुचि नहीं रखते हैं। कुल मिलाकर ऑल्ट न्यूज इस बात की पुष्टि कर सकता है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर धर्म परिवर्तन से जोड़ते हुए पत्रकारों और आम लोगों ने जो वीडियो शेयर किया उसमें दोनों ही लड़के हिंदू समुदाय से आते हैं। इस वीडियो के जरिए मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधना पूरी तरह से गलत है।